हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द होम बेकर। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 1 kg पाइनएप्पल केक के लिए स्पॉन्ज की रेसिपी प्लस डेकोरेशन शेयर करने वाली हूँ। 1 kg केक के लिए मैंने 360 ग्राम प्रीमिक्स लिया है। दोस्तों, पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ पाइनएप्पल केक के स्पॉन्ज की रेसिपी प्लस कटिंग प्लस लेयरिंग क्रम कोटिंग और डेकोरेशन शेयर किया हुआ है, इसलिए इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ केक की लेयरिंग शेयर नहीं करूँगी। इसमें मैं आपको स्पॉन्ज बनाना सिखाऊंगी प्लस केक का डेकोरेशन दिखाने वाली हूँ। स्पॉन्ज बनाने के लिए मैंने 360 ग्राम प्रीमिक्स में 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है और इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक फ्लोई कंसिस्टेंसी का बैटर रेडी करेंगे। दोस्तों, आज के केक का जो डेकोरेशन है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो आप चाहें तो अपने किसी लव वन या स्पेशल वन के किसी स्पेशल डे पे आप उसे गिफ्ट कर सकते हैं। उसके लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। और अगर आप ये केक मुझसे बनवाना चाहते हैं और अगर आप जबलपुर में ही रहते हैं या आसपास रहते हैं, तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल है द होम बेकर। तो चलिए अब हम वापस से आ जाते हैं अपने केक स्पॉन्ज की तरफ। यहाँ पे मैंने बैटर रेडी कर लिया है और लास्ट में मैंने इसमें 3-4 ड्रॉप डाले हैं पाइनएप्पल एसेंस के, और इसके बाद मैंने 1 टीस्पून के करीब वाइट विनेगर या प्लेन विनेगर जो आता है वो ऐड किया है, और इसे अच्छे से मिक्स करके अब जो हमने टिन रखा था लाइन करके उसमें पोर कर दूँगी। और बैटर को टिन में पोर करने के बाद हम इसे अच्छे से 3-4 बार टैप टैप करेंगे। ओवन को मैंने पहले ही प्री हीट करने के लिए रखा हुआ है और बैटर को डालने के बाद मैं टिन को 180 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए बेक होने के लिए रखूँगी। और यहाँ मैंने स्पॉन्ज को कट करके अच्छे से लेयरिंग कर ली है, क्रम कोट करके मैंने फ्रिज में रखा है, और उसके बाद फाइनल आइसिंग करके अब हम केक का डेकोरेशन कर रहे हैं। सॉरी फ्रेंड्स, स्टार्टिंग के जो मैंने 3 रोज़ेस दिखाए थे आप लोगों को, यहाँ पे मेरे फ़ोन में थोड़ा सा बैटरी का प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन आई प्रॉमिस आगे के जितने भी रोज़ हैं ना वो मैं सारे ही आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, एक भी मिस नहीं होगा। तो अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, सिर्फ कोशिश करूँगी आप लोगों को दिखाने के लिए कि आपको रोज किस तरह से बनाना है और किस तरह से इन्हें प्लेस करना है। रोज़ बनाने के लिए मैंने एक पाइपिंग बैग में नूर का R11 नंबर का नोज़ल लगाया है और इसके बाद मैंने इसमें रेड कलर की क्रीम फिल की है, और इसके बाद जिसके ऊपर मैं रोज़ बना रही हूँ ना, इसे फ्लावर नेल कहते हैं। अगर आप मार्केट में लेने जाते हैं और आपको ये नहीं मिलता है तो आप शॉपकीपर से रोज़ नेल के नाम से पूछिएगा, वो ज़रूर आपको दे देंगे। रोज़ बनाने के लिए ये फ्लावर नेल 2 तरीके का आता है, एक तो ऐसा आता है जो मैं यूज़ कर रही हूँ स्टील का, इसके अलावा एक प्लास्टिक का भी आता है। और अगर आप रेगुलर बेसिस पर डेकोरेशन नहीं करते हैं केक का या रेगुलर बेसिस पर आप बेकिंग नहीं करते हैं तो आप वो वाला भी ले सकते हैं। फ्लावर बनाने के लिए आपको करना क्या है, रोज़ नेल पे जिस तरह से मैं ये 3 बार राउंड राउंड कर रही हूँ ना, इस तरह से करके आपको एक बेस देना है। उसके ऊपर एक छोटा सा ऐसे कली के अंदर होता है ना, एक बंद वाली कली होती है, वो बनाना है, और इसके बाद आपको इस तरह से एक एक पेटल बनाते जाना है। आप ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरह से आपको बना के दिखा रही हूँ। इस तरह से आपको एक साइड से दूसरे साइड पे उल्टा सी बनाते हुए पेटल बनाना है, और जैसे ही रोज़ बन जाता है बड़ा छोटा जैसा भी आप चाहते हैं, तो आपको सीज़र की हेल्प से इसे कट करना है और केक के ऊपर प्लेस कर देना है। रोज़ बनाने के लिए बस आपको फ्लावर नेल पे इस तरह के 3 राउंड लेना है, 3 या 4, आप जो भी जितना भी लेना चाहते हैं। ये बेसिकली हम एक बेस दे रहे हैं रोज़ को कट करने के लिए और एक हाइट देने के लिए, और उसके बाद एक छोटी सी कली जैसा बनाना है और धीरे धीरे उल्टा सी बनाते हुए नीचे से ऊपर की ओर लेके जाना है, और इस तरह से रोज़ पेटल बना के आपको तैयार करनी है। इस तरह से आप छोटा फ्लावर, बड़ा फ्लावर, जितना चाहे बड़ा छोटा बना सकते हैं, खिला हुआ बंद कली वाला सारे ही इसमें आते हैं। मैं धीरे धीरे आप लोगों को सारी ही चीज़ें डिटेल में बताऊंगी। रोज़ बनाने के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करने वाली हूँ।
इसके साथ ही देखिए रोज़ का जो एक राउंड था वो केक के ऊपर बन के रेडी हो गया है। बीच में मैंने एक फ्लावर रखा है, उसके आजू बाजू मैंने 6 फ्लावर्स और बनाए हैं, और इसके बाद जहाँ भी केक में जगह बची हुई है, जहाँ भी आपको वाइट बेस दिख रहा है टॉप में, वहाँ पे जहाँ भी बड़ा रोज़ रखना होगा वहाँ मैं बड़ा बनाऊँगी, जहाँ पर छोटे रोज़ की स्पेस होगी वहाँ मैं छोटा रोज़ बना के रखूँगी। और इस तरह से आज के केक का जो डेकोरेशन है वो रोज़ फ्लावर बास्केट जैसा होने वाला है, बहुत ही सुंदर। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा जरूर, आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। और इसी तरह केक को डेकोरेट करने के लिए मैं एक एक रोज़ फ्लावर बनाती जाऊंगी और केक के टॉप पे प्लेस करती जाऊंगी, जिससे कि इसे एक बास्केट जैसा इफ़ेक्ट मिले। इसके लिए आपको 3 बेस राउंड राउंड करके बनाना है, एक छोटी सी कली जैसी इस तरह से बनाना है, और उल्टा सी बनाते हुए नीचे से ऊपर की ओर उठाते हुए पेटल्स बनाने हैं, और इस तरह से आपको एक सुंदर सा रोज़ बन के मिलेगा। ये देखिए कितना सुंदर रोज़ बन के रेडी हुआ है, आपको भी इसी बनाना है। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर से ही इसका रिप्लाई दूंगी। ये देखिए कितना सुंदर रोज़ बना है, और इसे अब हमने सीज़र से कट करके केक के टॉप पे प्लेस किया है। फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है आपको आज के केक का डेकोरेशन? उम्मीद करती हूँ थोड़ा तो पसंद आ ही रहा होगा। अगर थोड़ा भी पसंद आ रहा है ना, तो वीडियो एंड होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ में जो छोटू सा बेल आइकन भी है ना, उसे भी ज़रूर हिट कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए।
तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने रोज़ बास्केट वाला डेकोरेशन करके लगभग रेडी किया है। जहाँ भी बड़े रोज़ की स्पेस थी वहाँ मैंने बड़े रोज़ेस बना के रखे हैं, जहाँ स्पेस कम था वहाँ मैंने छोटे रोज़ेस बना के प्लेस किए हैं। और इस तरह से हमने रोज़ बास्केट वाला जो डेकोरेशन था वो लगभग कम्प्लीट किया है। और लास्ट में मैं एक बड़ा सा रोज़ बना के केक का जो सेंटर है, जहाँ मैं एकदम बीच में जो रोज़ रखा हुआ है उसके ऊपर मैं ये बड़ा वाला रोज़ प्लेस कर रही हूँ, सो दैट कि एक उभरा हुआ सा इफ़ेक्ट, बास्केट वाला जो इफ़ेक्ट है वो हमें मिल सके। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। और इसके बाद जो केक की साइड पे जो एक दो जगह रह गई थी, छोटा सा जो स्पेस दिख रहा है वहाँ पे कोई भी रोज़ नहीं आ रहा था, तो इसके लिए जो क्लोज स्टार नोज़ल आता है नूर का वो मैंने लिया है, और उसमें रेड कलर की क्रीम को फिल करके ये जो स्पेस दिख रहा है वाइट वाला, इससे मैंने फिल किया है, ये देखिए। और जो रोज़ की जो लास्ट वाली लेयर है जो एकदम साइड में है, उसके नीचे नीचे भी मैं ये क्लोज स्टार नोज़ल से एक लाइन बनाऊंगी, जिससे कि एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट हमारे केक में आएगा। और इसके साथ ही फ्रेंड्स जहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा स्पेस दिख रहा था वहाँ मैंने स्टार नोज़ल से छोटे छोटे स्टार्स बना के रेडी किए हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे केक का जो डेकोरेशन है वो लगभग लगभग कंप्लीट है। और देखिए इसके बाद जो केक का लुक है और केक के ऊपर जो इफ़ेक्ट है कितना सुंदर आ रहा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि बनने के बाद केक इतना सुंदर लगेगा, एकदम बास्केट वाला इफ़ेक्ट आ रहा है ना। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज के केक का डेकोरेशन कैसा लगा। और इसके बाद बारी आती है केक बोर्ड को क्लीन करने की, तो मैंने एक टिश्यू पेपर लिया है और इसकी हेल्प से केक बोर्ड को क्लीन कर रही हूँ। केक बोर्ड के ऊपर जहाँ पे भी क्रीम लगी हुई है उसे हम साफ़ कर देंगे, जिससे कि एक सुंदर सा लुक आए केक के ऊपर। और इसके बाद केक को एक कंप्लीट लुक देने के लिए मैंने बची हुई रेड कलर की क्रीम को एक पाइपिंग बैग में फिल किया है, और इसमें एक छोटा सा कट लगा के हमें डॉट डॉट जैसे पर्ल जैसी बॉर्डर बनाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे केक की बॉर्डर बनके भी रेडी है और हमारा केक भी एकदम रेडी है। और केक को और सुंदर दिखाने के लिए और थोड़ी सी शाइन ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे सिल्वर स्प्रे कर रही हूँ, जिससे कि ये लाइट पे जब भी रखें तो इस पर एक सुंदर सा इफ़ेक्ट आए और एक हल्की सी शाइन दिखाई दे। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी रोज़ फ्लावर बास्केट बनके रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज के केक का डेकोरेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज के केक का डेकोरेशन पसंद आया है या वीडियो में आपको थोड़ा कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर हिट कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए डेकोरेशन के साथ। तब तक बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।